जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन एयरफोर्स ने रशिया से AK-103 राइफल्स को खरीदने के लिए साइन करी डील। रक्षा मंत्री द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड के सर्विस में कमीशन की गई ICGS विग्रह। जम्मू कश्मीर में संभावित हमले को लेकर इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से जारी किया गया है अलर्ट। ड्रोन स्ट्राइक करके अमेरिका ने काबुल हमले का लिया बदला। और धोखाधड़ी के मामले में एक्स आर्मी ऑफिसर सहित 2 लोगों को 5 साल की सजा। ANI की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने इमरजेंसी प्रोविजन के तहत रशिया से करीब 70,000 AK-103 असॉल्ट राइफल्स को खरीदने के लिए डील साइन की है। और इन AK-103 असॉल्ट राइफल्स की मदद से इंडियन एयरफोर्स उनकी इन्वेंट्री में मौजूद पुरानी इंसास राइफल्स को रिप्लेस करेगी। और रिपोर्ट के मुताबिक जो ये 70,000 AK-103 असॉल्ट राइफल्स के लिए डील साइन हुई है, इसके तहत इनकी डिलीवरी आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर पूरी किए जाने की उम्मीद है। और जबकि इंडियन एयरफोर्स को करीब 1.5 लाख नई असॉल्ट राइफल्स की रिक्वायरमेंट है, और इसलिए एयरफोर्स के इस बाकी के रिक्वायरमेंट को भारत में बनाई जाने वाली AK-203 असॉल्ट राइफल्स से पूरा किया जाएगा। और फिलहाल अभी जो 70,000 AK-103 असॉल्ट राइफल्स के लिए डील साइन हुई है, इसकी कीमत है करीब 300 करोड़ रुपीस। और बताया जा रहा है कि ये डील पिछले सप्ताह साइन हुई थी। और आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ ही दिनों पहले इसी तरह की एक और रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि भारत और रशिया के बीच करीब 70,000 लेटेस्ट AK सीरीज के असॉल्ट राइफल्स को ऑफ द शेल्फ खरीदने के लिए डील साइन हुई है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा गया था कि अभी जो पहली डील साइन हुई थी वो इंडियन आर्मी के लिए थी, और अभी जो साइन हुई है वो इंडियन एयरफोर्स के लिए है। और आर्मी में मुख्य रूप से AK-203 असॉल्ट राइफल्स को ही लिया जाना है, और जबकि इंडियन एयरफोर्स AK-103 असॉल्ट राइफल्स को ले रही है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने AK-103 असॉल्ट राइफल को क्यों चुना है, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग जरूर है, क्योंकि जब भारत के पास AK-203 असॉल्ट राइफल का ऑफर मौजूद है जो कि AK-103 से ज्यादा एडवांस है, तो फिर इसके बावजूद भी इसके पुराने वेरिएंट को खरीदने का क्या मतलब बनता है। और बाकी अगर आप में से कोई AK-103 और AK-203 असॉल्ट राइफल के बीच में डिफरेंस जानना चाहता है, तो हमने इस पर एक डिटेल वीडियो पहले बनाई थी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो के माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक लाइन में आपको समझा दें कि फायर पावर के मामले में AK-103 और AK-203 दोनों बराबर हैं, और जबकि AK-103 का इस्तेमाल इंडियन नेवी के स्पेशल फोर्स यूनिट मार्कोस द्वारा तो ऑलरेडी किया जाता है। और आपको ये भी बता दें कि इंडियन एयरफोर्स जो ये 70,000 AK-103 असॉल्ट राइफल्स को ले रही है, तो ये वेपन सबसे पहले उन ट्रूप्स को प्रोवाइड कराए जाएंगे जो जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के साथ लगने वाले सेंसिटिव एयर बेसिस पर तैनात हैं। और हमें पता है कि इंडियन एयरफोर्स और रशिया के बीच जो डील साइन हुई है, इसको लेकर आप सभी के मन में कई सारे सवाल भी होंगे, कई सारी बातें होंगी, तो उन सभी को आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और एक तो हमारे मन में भी है, और वो ये है कि बार बार ऐसी कैसी इमरजेंसी आ जाती है कि हमें तत्काल आवश्यकता पर इन हथियारों को दूसरे देश से सीधा खरीदना पड़ता है। तो जैसे कि तय था उसके अनुसार आज रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड के सर्विस में L&T द्वारा स्वदेशी तौर पर बनाई गई ऑफशोर पेट्रोल वेसल ICGS विग्रह को औपचारिक रूप से कमीशन कर दिया गया है। और इस दौरान रक्षा मंत्री का कहना था कि मैं शिप के बारे में अधिक टेक्निकल डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं निश्चित रूप से कुछ चीजें कहूंगा जिनके बारे में मैं बहुत खुश हूं। और सबसे पहले शिप के डिजाइन से लेकर डेवलपमेंट तक इसे पूरी तरीके से स्वदेशी तौर पर बनाया गया है। और उनका ये भी कहना था कि भारत में एक स्वदेशी शिप बिल्डिंग हब बनने का बहुत बड़ा स्कोप है। बाकी एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि AK-203 असॉल्ट राइफल्स की तरह ही अब इंडियन आर्मी अपने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की कमी को दूर करने के लिए कैमोफ के A-226T हेलीकॉप्टर्स को भी लिमिटेड नंबर्स में ऑफ द शेल्फ खरीद सकती है। और जबकि जो एक कैमोफ के A-226T हेलीकॉप्टर्स वाली डील है, जिसके तहत ये हेलीकॉप्टर्स भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाने थे, तो ये डील भी 2015 में साइन हो गई थी, लेकिन तब से लेकर अभी तक ये डील अभी भी अपने अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंची है। और बाकी आगे बढ़ने से पहले अगर आप डिफेंस स्क्वाड को भारत के स्वदेशी प्लेटफॉर्म कू पर फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऑफिशियल कू हैंडल का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके वहां भी हमें फॉलो कर सकते हैं। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से जम्मू कश्मीर में संभावित आतंकी हमले को लेकर एक चेतावनी जारी की गई है, क्योंकि एजेंसीज को सीमा पार से आतंकियों के मूवमेंट्स के इनपुट्स मिले हैं। और ऐसी भी जानकारी मिली है कि पाकिस्तान द्वारा समर्थित जैश के लीडर्स ने तालिबान के लीडर्स के साथ अगस्त के 3rd सप्ताह में एक मीटिंग भी कंडक्ट करी थी। और इसलिए सीनियर ऑफिशियल्स का कहना है कि सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है, और जो एजेंसी है वो सोशल मीडिया पर भी काफी करीब से नजर रख रही है। और जबकि इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिस पर उन्होंने कुछ सोर्सेज के हवाले से बताया है कि जो अगस्त के 3rd सप्ताह में तालिबानी लीडर्स के साथ जैश के लीडर्स ने मीटिंग कंडक्ट करी थी, तो इस मीटिंग में जैश के लीडर मसूद अजहर ने जम्मू कश्मीर के मामले में तालिबान की मदद मांगी थी। और इतना ही नहीं, बल्कि अभी हाल ही में पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी तहरीक इंसाफ की एक लीडर नीलम इरशाद शेख ने एक बहुत बड़ा दावा किया कि तालिबान ने घोषणा की है कि वो कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाएगा और कश्मीर को जीतने में उनकी मदद करेगा। हालांकि जिस टीवी न्यूज डिबेट में इस पाकिस्तानी लीडर ने बात कही, तो उसी के न्यूज एंकर ने उनसे सवाल भी किया
कि मैडम आपको एहसास भी है कि आप क्या कह रहे हैं, कि आपको इस बात का जरा से भी आइडिया है कि आपने जो कहा है कि वो कितनी बड़ी बात है, तो भगवान के लिए ऐसा ना कहें क्योंकि ये शो पूरी दुनिया देखेगी और इसे भारत में भी देखा जाएगा। लेकिन इसके बावजूद ही पाकिस्तान के नीलम एशा शेख का यही कहना था कि तालिबान पाकिस्तान की मदद करेगा क्योंकि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। खैर निकम्मे पड़ोसियों के लीडर से कुछ और हम ज्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि बिना सर पैर की बातें करना उनके स्पेशल फीचर्स में आता है और हो सकता है कि तालिबान ने पर्सनली फोन करके इनको कहा हो कि हम कश्मीर में भारत के खिलाफ तुम्हारा साथ देंगे और उनके अकेले के बस के तो कुछ नहीं है, तो इसलिए वो यही उम्मीद करते हैं कि दूसरे उनकी मदद करेंगे भारत का सामना करने के लिए। और बाकी इनके बारे में तो हम क्या ही कहें क्योंकि इनका इस तरह का रोना धोना तो हमेशा का ही है, बस हमें दिक्कत है उन लोगों से जो भारत में रहकर इन लोगों का सपोर्ट करते हैं। और इसलिए भारत को सबसे ज्यादा खतरा बाहर के दुश्मन से नहीं बल्कि अंदर के इन दुश्मनों से है और ऐसे में हमारी एजेंसीज को और भी अलर्ट रहने की जरूरत है। बाकी तो क्या है, किसी महान इंसान ने कहा है, कितने गाजी आए कितने गाजी गए। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स की टेस्ट फैसिलिटी में गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम के सिस्टम डेमोंस्ट्रेशन मॉडल का पहला सफलतापूर्वक हॉट टेस्ट कंडक्ट किया गया है और इस दौरान सिस्टम ने सारे टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स को सफलतापूर्वक पूरा किया है। और इसरो का कहना है कि आगे भी अलग अलग मिशन कंडीशंस और साथ ही साथ नॉमिनल कंडीशंस के लिए भी इसके कुछ और हॉट टेस्ट को प्लान किया गया है। वैसे अगर आपको स्पेस सेक्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिटेल में चाहिए तो उसके लिए आप गरीब साइंटिस्ट यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मानिए आपको उस चैनल पर स्पेस सेक्टर से रिलेटेड काफी कमाल की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और बाकी हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर और वो ये है कि कोर्ट द्वारा ओडिशा प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत एक्स आर्मी ऑफिसर सहित दो लोगों को 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है क्योंकि इन दोनों पर डिफेंस पर्सनल को धोखा देने का आरोप है। और जिन दो लोगों को सजा सुनाई गई है उनके नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल राकेश राणा रिटायर्ड जो कि सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे और दूसरे हैं पूर्ण चंद्र पांडा जो कि ब्रुक्सन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड में मैनेजिंग डायरेक्टर थे। और इन दोनों को 5 साल की जेल के अलावा 1-1 लाख रुपए तक की पेनल्टी भी दी गई है और इन पर आरोप यह है कि इन दोनों ने कई सारे डिफेंस पर्सनल से उन्हें होम स्टेट लैंड प्रोवाइड कराने के प्रॉमिस के बदले करीब 29 करोड़ रुपए कलेक्ट किए थे और जिस जमीन को दिलाने के वादे पर इन्होंने रुपए लिए थे इन्होंने ना तो जमीन दिलाई और ना ही उन्होंने पैसे रिटर्न किए। और जिनसे इन दोनों ने रुपए लिए थे तो उन सभी डिफेंस पर्सनल ने इन दोनों के खिलाफ ओडिशा पुलिस में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में कंप्लेन दर्ज करी और अब आखिर में गिल्टी पाए जाने के बाद कोर्ट की तरफ से इनको सजा सुनाई गई है। 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर जो हमला किया गया था इस हमले को अंजाम दिया था आईसिस के साथ ही एफिलिएटेड एक एंटिटी ISKP ने और इस हमले में करीब 170 के आसपास कैजुअल्टीज हुई थी जिनमें US सोल्जर्स की भी 13 कैजुअल्टीज शामिल थी। तो अब इस हमले के जवाब में US की तरफ से ISK पर एक ड्रोन स्ट्राइक की गई है और US ऑफिशियल्स का कहना है कि इस ड्रोन स्ट्राइक में अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट हमले का प्लानर भी मारा गया है। और जबकि अमेरिका की तरफ से काबुल में एक और आतंकी हमला होने की आशंका जताई गई है और इसी आशंका के चलते काबुल एयरपोर्ट पर और भी अधिक फोर्स को तैनात किया जाना है और इसके बाद काबुल में अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अब समय है आज के top 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आपने सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और अगर आप डिफेंस स्क्वाड के ऑफिशियल मर्चेंडाइज लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर जाकर डिफेंस स्क्वाड के ऑफिशियल मर्चेंडाइज को चेक कर सकते हैं और जो भी आपका पसंदीदा डिजाइन है उसे खरीद सकते हैं। और बाकी इस वीडियो को लेकर आपको कोई भी सुझाव हो सवाल हो तो कमेंट सेक्शन हमेशा की तरह ओपन है और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल कलर के बड़े से बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।